तो अगर क्लासिफाई करें एरर को तो स्टूडेंट एक सिस्टमेटिक एरर रहता है जो सिस्टम के साथ रहता है, एक रैंडम एरर रहता है जो कि ड्यू कोर्स ऑफ मेजरमेंट पे आ जाता है, और एक ग्रॉस एरर यानी तो लिस्ट काउंट वाला एरर भी एक रहता है। ग्रॉस एरर जो मेंशन नहीं किया लेकिन ग्रॉस एरर भी एक रहता है, दैट इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ एरर। आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हमारे जो अपकमिंग वीडियोस अपलोड होगा। जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड टू कम अक्रॉस यू सो दैट यू कुड नो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कोचिंग पार्ट। स्टूडेंट अगर सिस्टमेटिक एरर्स की बात करें तो सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। सो ये तो थियोरी है ना, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, नो नीड टू बी वरीड। जस्ट आप थोड़ा सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको बाकी का नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी कोऑपरेशन ज़्यादा जरूरी है। हम आपको क्लासेस देंगे, समझाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, फिर नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपकी डाउट सेशन भी रखा जाएगा। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से स्लोली स्लोली हम एक एक चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर सिस्टमेटिक एरर्स की बात करूँ तो सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। स्टूडेंट मान के चलो आपका वैल्यू जो है ना वो 50 आना चाहिए था, जब हम देखें कि मल्टीमीटर पे आपका रेजिस्टेंस 50 आना चाहिए था, बट किसी भी तरह आपकी रीडिंग जो है ना वो 50 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, मतलब दो ज़्यादा हो जा रहा है। पॉजिटिव, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। कभी कभी मानो कि 48 आ गया आपके एक्सपेरिमेंट, तो ये नीचे दो आ रहा है, तो यही जो होता है ना, तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और स्टूडेंट अगर रैंडम एरर के बारे में बात करेंगे, अगर सिस्टमेटिक एरर्स में मैं देखूँ, सो द एरर दैट इज ऑलवेज इन एवरी डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव की तरफ होगा या फिर नेगेटिव की तरफ होगा। और अगर हम देखें कि वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या क्या आता है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, कॉन्स्टेंट एरर्स आता है, एनवायरमेंटल एरर्स आता है, पर्सनल एरर्स आता है, और इंफॉर्मेशन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आता है। तो चलो एक बाय एक मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ये एकदम थियोरी है। इसको समझने के बाद एक्चुअली जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे थोड़ा आगे हैं, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन ये सब जानना भी जरूरी है कि अगर आप इंजीनियरिंग पे जा रहे हो या फिर अगर कोई भी आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो एरर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए था, तब तक आपके मतलब आप उसकी नेसेसरी प्रिवेंटिव्स ले सको और आप एक एग्जैक्ट रीडिंग और एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन ले सको। सो चलो एक बार एक डिस्कशन करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है। स्टूडेंट्स मान के चलो हमारा वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब वाटर बॉयल करना शुरू किया एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने लेके थर्मामीटर को अंदर डाला बट मैंने देखा कि 103 आ रहा है जबकि 100 आना चाहिए था। तो ये एरर किसी कौन सी वजह से ये आ रहा है, हमने तो सही टाइम पे जब वाटर बॉयल करना शुरू किया तब उसी टाइम पे हम दिए थे तो वो तो आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है। सो ये इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है। और ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। मानो कि आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप हड़बड़ी हो गए, या फिर मानो कि लेट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जब बुखार होता है तो मामा टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, कभी कभी आपका यहाँ पर रखा जाता है, कभी कभी आपकी आर्मपिट पर रखा जाता है, तो हर जगह पर क्या एग्जैक्ट रीडिंग आता है, नहीं आता है। तो दैट इज ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। शायद आपने जो मर्क्यूरी रहता है उसको शायद आप 0 पोजिशन पर नहीं लिए हैं, ये भी एक बात हो सकता है, नहीं तो फिर आपकी जो टेम्परेचर सही तरह से उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा जो कि जहां से आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर मेजर किया जा सके, ये भी एक होता है। और स्टूडेंट एनवायरमेंटल एरर की बात करें तो स्टूडेंट कुछ होता है ना कि ह्यूमिडिटी भी के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, विंड वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिकली ये भी अफेक्ट करता है मेजरमेंट को, तो इसीलिए वो सब आता है सिस्टमेटिक एरर्स में। और कुछ कॉन्स्टेंट एरर जो कि रहते हैं, आप चाहे आप सही तरह से एक्सपेरिमेंट किए फिर भी थोड़ा एरर आ रहा है। और ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पे स्टूडेंट्स क्या होता है, मान के चलो मैंने एक डिवाइस आपको दिया और एग्जैक्टली 0 पे, शायद आपने 10th पे दिखे होंगे वोल्टमीटर और एमीटर दिखे होंगे, वो कभी कभी क्या होता है कि वो एग्जैक्टली 0 को नहीं टच करता है, थोड़ा ऊपर रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैलिब्रेट करना चाहिए, मतलब उसको किसी भी तरह एडजस्ट करके 0 पे लाना चाहिए ताकि आपका रीडिंग सही आ सके, तो इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। और स्टूडेंट मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर, हम सिस्टमेटिक एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट विद हायर रिजोल्यूशन। जो मैंने अभी कैलिब्रेशन की बात कर रहा था, मतलब ज़्यादा परफेक्शन रीडिंग आ सकता है जिसपे क्या रिजोल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं आपको 100 मेजर करना है या 110 मेजर करना है या फिर बीच में एक 105 भी है, लेकिन जब 100 और 105 के बीच में रहेगा तो आप क्या बोलोगे, 102 है या 103 है या 104 है, तो वो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा आपको। और स्टूडेंट बाय टेकिंग केयर टू अवॉइड पर्सनल बायस,
मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ इधर दिख लिए, मतलब आपका अटेंशन पूरा एक्सपेरिमेंट की तरफ होना चाहिए, तभी जाके आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। और बाई इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये भी वही उसी के अंदर आता है, एंड बाई एस्टिमेटिंग द एरर एंड अप्लाइंग द नेसेसरी करेक्शन। अगर आपको किसी भी तरह आप एक बार तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो एक्सपेरिमेंट में आपको पता चल गया कि यार ये एरर आना नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है, तो शायद डिवाइस पे कोई गड़बड़ी है, या फिर मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे कोई गड़बड़ी है, या फिर सर्किट पे कुछ शायद प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ भी डिफेक्ट अगर आप निकाल दिए तो आपकी रीडिंग अच्छा मिल सकता है। स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आते हैं ये जो हमारा ये बात था रैंडम एरर्स। स्टूडेंट, रैंडम एरर्स क्या होता है? तो रैंडम एरर्स स्टूडेंट्स क्या होता है, आर दोज एरर्स व्हिच अकर इरेगुलरली, that means random errors are with respect to sign and size. This can arise due to the random and students अगर बात करें तो unpredictable fluctuations in the experimental conditions. मतलब जो आप experiment कर रहे हो कुछ unexpectedly कुछ मतलब fluctuations आया, temperature पे आ सकता है, voltage पे आ सकता है, mechanical vibrations पे आ सकता है, और experimental setups में भी आ सकता है, personal पे भी आ सकता है, इस तरह की observations में भी आ सकता है। For example, when the some person repeats the same observation and it is very likely that he may get a different readings every time. तो इस तरह की जो है ना, इसको बोलता है random error. और फ्रेंड, जो मैं लास्ट में यहाँ पर mention नहीं किया गया है, और भी एक टाइप का error आता है जिसको हम बोलते हैं gross error और least count error. Students, आप थोड़े कुछ क्लासेस के बाद आपको ये भी पढ़ाया जाएगा स्लाइड कैलिपर और स्क्रू गज के बारे में, सर आपको अगर पहले से थोड़ा आइडिया होगा तो। वो क्या होता है कि थिकनेस आप स्केल पे कितना मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हो, लेकिन मुझे अगर उससे छोटा मेजर करना है 2 डिजिट तक, मतलब 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 मैंने लिखा, मतलब क्या 1 सेंटीमीटर 1.1 सेंटीमीटर लिखा, उसका मतलब क्या बताओ, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। अगर आपको 1 मिलीमीटर को और छोटा करना है, मैं 0.01 02 03 लाइक दैट मेजर करना चाहता हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, या फिर अगर मेरे पास और एक डिवाइस है जिसपे आपका 001 तक दे सकता है, 3 डिजिट तक दे सकता है डिसिमल पे, किस पे ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा स्टूडेंट्स? सो आई थिंक जिसका लिस्ट काउंट, मतलब जिसका ग्रॉस एरर कम है, मतलब जिसका लिस्ट काउंट ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा मिल सकता है। स्टूडेंट देखो, वन ईयर कैलिपर की अगर बात करें तो उसकी लिस्ट काउंट कितना पता है स्टूडेंट? 0.01 सेंटीमीटर। अगर स्पेरोमीटर में यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। सो लिस्ट काउंट एरर स्टूडेंट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद इन ए लिमिटेड साइज। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। वी यूज मीटर स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इट मे हैव ग्रेजुएशन ऑफ 1 mm डिवीजन स्केल स्पेसिंग ऑफ और इंटरनल। तो इस तरह की हो सकता है। और स्टूडेंट इसके बाद एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंबिनेशन ऑफ एरर्स। दो एरर को मैं मिलाऊं तो नया वाला एरर क्या होगा, दो एरर को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो नया वाला एरर क्या होगा, दो एरर को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसके नया वाला एरर क्या होगा, दो एरर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूं, अगर पावर है कुछ एक एरर मेरे पास है उसका पावर स्क्वायर या क्यूब है, तो उसी केसेस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरर की, कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसका कुछ पावर दिया जाएगा, अगर कहीं पे ऐड हो सकता है, कहीं पे डिवाइड हो सकता है, तो वो सारे केसेस पे आपको क्या करना होगा, कि कैसे कैलकुलेट करना होगा, वो वीडियोस में अपलोड करके ही आपको लिंक शेयर करूंगा, और आप वीडियो देखने के बाद एक असाइनमेंट बनाओगे, फिर हम डाउट सेशन लेके ही आप इसको कोई भी जूम ऐप के जरिए या फिर किसी भी तरह आपकी डाउट्स हम लेके इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिफाई करेंगे, सो दैट आपको आपकी डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सो यू नो आई एम वन सेकंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, एंड जब नॉर्मल क्लासेस शुरू होगा तो आपके बारे में इंट्रोडक्शन हम आहिस्ता आहिस्ता ले लेंगे, और will be coming across you very soon. Hope be positive, hope that situations are going to get normal as soon as possible, so that we can start our online live classes. And student, जो भी सपोर्ट आपको दिया जा सकता है MA Super 30 के तरफ से वो आपको मिलता रहेगा, नेसेसरी वीडियोज लिंक्स आपको मिलता रहेगा, और आपको अपना स्कूल के टीचर जो है वो भी अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे, और वो लोग जो पार्ट कवर करेंगे उसके बाद हम कवर करेंगे, थोड़ा एंट्रेंस के टचअप देते हुए ही हम सारे चैप्टर को आगे लेके जाएंगे, ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इस तरह से हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब आपको पावर पॉइंट पे मिल सकता है, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो ऑनलाइन पे मिल सकता है जो हमारे MA Super 30 और क्या रहेगा, ठीक है? थैंक यू, एंड वी नीड योर कोऑपरेशन, एंड ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी नोट्स, जो भी गाइडेंस दिया जाएगा आपको उसी तरह पूरी तरह से फॉलो करना होगा, तभी जाके हम सिलेबस को आगे लेके एक
कन्फाइंड जरिया तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।